कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान को सबसे पहले मुगलों ने सैकड़ों साल तक लूटा और फिर मुगल राज के बाद अंग्रेज आए तो उन्होंने भी भारत को खूब लूटा। यहाँ तक कि कोहिनूर हीरा भी नहीं छोड़ा, वो भी उठा ले गए और भारत से जाते जाते यहाँ तक कह दिया कि अगर भारत को आजाद किया गया तो सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सभी भारतीय नेता बहुत ही कमजोर भूसे के पुतलों जैसे होंगे। ये बात किसी और ने नहीं, यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कही थी जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने वाला था। लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि जिन हिंदुस्तानियों को विंस्टन चर्चिल कोसा करते थे उसी हिंदुस्तानी मूल के ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के प्रधानमंत्री बनने जा रहे। और यह ऐतिहासिक मौका देखकर तमाम हिंदुस्तानियों के साथ ही देश के दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी इस कदर खुश हैं कि अंग्रेजों की मौज ले ली। भारतीय मूल के ऋषि सुनक पहले ऐसे भारतवंशी हैं जो यूके सरकार का सबसे बड़ा पद संभालेंगे। ऋषि सुनक ने टोरी लीडरशिप चुनाव में पेनी मोर्डांट को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। रिपोर्ट्स की माने तो ऋषि सुनक को 180 से ज्यादा कंजर्वेटिव सांसदों का समर्थन था, जबकि समर्थन के मामले में पेनी काफी पीछे रह गई, जिसके बाद पेनी ने अपना नाम वापस ले लिया और ऋषि सुनक के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। दिवाली के दिन जैसे ही ये खबर आई कि ऋषि सुनक अब यूके के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को विंस्टन चर्चिल की कही बात याद आ गई और एक ट्वीट में लिखा, 1947 में भारत की आजादी के अवसर पर विंस्टन चर्चिल ने मजाक उड़ाते हुए सभी भारतीय नेताओं को निम्न स्तर और शक्तिहीन बताया था, लेकिन देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने ब्रिटेन की बागडोर संभालकर उन्हें करारा जवाब दिया है, जिंदगी गुलजार है। ऋषि सुनक का ब्रिटेन का पीएम बनना बता रहा है कि भारत की ताकत को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस हिंदुस्तान के नेताओं को ब्रिटेन के पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल ने कमजोर समझने की भूल की थी, आज उसी हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़े ऋषि सुनक ब्रिटेन की बागडोर संभालने जा रहे हैं। सबसे कम उम्र के पीएम होंगे सुनक। 42 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन की राजनीति के 200 से भी ज्यादा सालों में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे। उनके अंदर राजनीतिक विलक्षण, तेज तर्रार और शांत स्वभाव, आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व दिखाई देता है। सुनक की इसी शैली की वजह से उन्हें ब्रिटिश मीडिया ने डिशी ऋषि करार दिया है। सुनक से पहले विलियम पेट द यंगर ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। ऋषि सुनक के लिए यहाँ तक पहुँचना कभी भी आसान नहीं था। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान बताया था कि मैं दुकान में काम करते हुए दवाइयाँ पहुँचाता हुआ बड़ा हुआ हूँ। मैंने सड़क के किनारे भारतीय रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में काम किया था। मेरे माता पिता ने मुझे ब्रिटेन के सबसे महंगे और विशिष्ट बोर्डिंग स्कूलों में से एक विंचेस्टर कॉलेज में भेजने के लिए थोड़े थोड़े करके पैसे जमा किए थे। जमीन से जुड़े ऋषि सुनक के बारे में कहते हैं कि हिंदुस्तानी जड़ों से जुड़े होने की वजह से वो हिंदू संस्कृति और परंपराओं का भी पालन करते हैं। चुनाव के दौरान भी उन्हें गाय की पूजा करते हुए देखा गया था और अब ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि कोई हिंदू इस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें, ब्रिटेन पिछले कुछ महीने से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह से पिटा हुआ है। आर्थिक अनिश्चितता की वजह से ही लिज ट्रस को महज 45 दिनों में पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था और अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ऋषि सुनक ब्रिटेन की गिरती अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं।